नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नील, आप देख रहे हैं लेटेस्ट ट्रिक्स। दोस्तों आज आपके लिए चार ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं, टॉप फोर क्रेडिट कार्ड के बारे में, जिससे घर बैठे ऑनलाइन आप इसे अप्लाई कर सकते हो। इनमें आपको लिमिट मिल सकता है 10,000 से लेकर 5,00,000 तक का लिमिट आपको मिल सकता है, वो भी बहुत ही आसानी से। इन चारों क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना बहुत ही आसान है, आप अपने फ़ोन की मदद से ऑनलाइन घर बैठे आप इसे अप्लाई कर सकते हो। वीडियो में आपको सही जानकारी देने वाला हूँ, इन चारों क्रेडिट कार्ड में अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स हमारे पास क्या क्या होना चाहिए और इसका फ़ायदा क्या क्या है, इसके बारे में सही से इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल सही से देखिएगा, सही जानकारी लीजिए, समझिए और क्रेडिट कार्ड अप्लाई कीजिए, आपको भी हो सकता है क्रेडिट कार्ड मिल जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करते हैं सपोर्ट मिलता है कि आपके लिए वीडियो लेकर आता हूं। आपको बताने वाला हूं अच्छे से, मैंने यहां पे बिल्कुल सही तरीके से इन चारों क्रेडिट कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन निकाला है, फिर जाके ये वीडियो बना रहा हूं। मैंने किए यहां पे चार ऐसे क्रेडिट कार्ड को बताना मना जो सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड है, जिससे आप इंस्टेंट आप दोस्तों अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे 3 से 4 दिन में आपके घर पे भी आ जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिए। ठीक है, अप्लाई करने के लिए ज़्यादा भी आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, कोई पेपर वर्क आपको नहीं करना है, जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वही आपको देना है, बस आपका सिविल सही होना चाहिए। सिविल दोस्तों ध्यान रखिए, इन चारों क्रेडिट कार्ड में अप्लाई करने के लिए आपका सिविल बेस्ट होना चाहिए, ध्यान रखिए, लगभग 750 आपका क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, तभी जाके आपको लिमिट सही मिलेगा और आपका क्रेडिट कार्ड फटाफट मिलेगा। ध्यान रखिए, बेस्ट फॉर क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है, जिसमें दोस्तों पहला जो क्रेडिट कार्ड आता है IDFC फर्स्ट बैंक का जो क्रेडिट कार्ड आता है वो आता है, यानी कि IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड आता है। इसमें दोस्तों लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, ध्यान रखिए, कोई चार्जेस के लिए नहीं देना आपको, ठीक है। उसके बाद उसको ध्यान रखिए, यहाँ पे बहुत सारे 10% कैशबैक भी मिलते रहते हैं क्रेडिट कार्ड से, बहुत सारे यहाँ पे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए, इसका जो साल का जो फीस है आपको 0 लगेगा और यहाँ पे ज्वाइनिंग फीस 0 है, ठीक है, इस क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग फीस 0 है। इसे अप्लाई करने के लिए आपका उम्र होना चाहिए 21 साल, ध्यान रखिए 21 साल होना चाहिए, आप इंडियन को मिल रहा है, हम इंडियन को ही है, ठीक है। आपके पास आपका क्रेडिट कार्ड अच्छा होना चाहिए, यानी कि जो क्रेडिट रिपोर्ट है आपका अच्छा होना चाहिए, बाकी और फीचर यहाँ पे दिए गए उसमें देख सकते हैं, ठीक है इसका। और ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपका सिविल 750 होना चाहिए मिनिमम, ठीक है, तब जाके इस पर अप्लाई कीजिए, वरना मत अप्लाई कीजिए, हो सकता है रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, यानी कि पहचान, ऐसे कि पहचान में आइडेंटिटी प्रूफ में अपना पैन कार्ड, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एड्रेस प्रूफ में अपना आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई चीज़ दे सकते हैं, दो चीज़ देना है, उसके बाद दोस्तों आप इसे अप्लाई कर लोगे, ठीक है, दो चीज़ देख ही आप इसे अप्लाई कर सकते हो और आपका सिविल स्कोर सही होना चाहिए, ठीक है। उसको बैंक स्टेटमेंट, 2 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से दोस्तों यहाँ पे यानी कि आप सैलरी वाले होना चाहिए रैंक के, ठीक है। इनकम में क्या देना है आपको, इनकम प्रूफ में फॉर्म 16 देना है या फिर लेटेस्ट सैलरी स्लिप या फिर ITR डॉक्यूमेंट्स, इनमें से कोई चीज़ दे सकते हो, और आप दोस्तों कोई भी ले सकता है, जो इनकम कर रहा है कोई भी ले सकता है, यानी कि सैलरी वाले हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो चाहे बिजनेस कर रहे हो लेकिन ITR वगैरह पे कर रहे हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखिए, यहाँ पे दूसरा जो एप्लीकेशन आता है AU बैंक क्रेडिट कार्ड, ये नया बैंक है, काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा, कई जगह आपने नाम सुना होगा AU बैंक क्रेडिट कार्ड, ठीक है। इस पे दोस्तों ध्यान रखिए, आप इसका बेनिफिट ये है बहुत सारे, ध्यान रखिए इसका जो साल का चार्ज लग रहा है सिर्फ, ध्यान रखिए फीस लग रहा है यहाँ पे 199 रुपये लग रहा है, ठीक है, प्लस टैक्स जो भी हो चार्ज, मतलब बाकी और भी है यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी चार्ज वगैरह सब यहाँ पर देख सकते हैं, तो बाकी ये आपके ऊपर बहुत सारे कैशबैक वगैरह यहाँ पे, जो मेन चीज़ बता रहा हूँ वो चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। इसे अप्लाई करने के लिए आपका उम्र यहाँ पे 21 साल से लेकर 60 साल तक होना चाहिए, इंडियन को मिल रहा है, मिनिमम इनकम 25,000 रुपये होना चाहिए इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए, ठीक है। उसको डॉक्यूमेंट्स में आपका आइडेंटिटी पर पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ में अपना आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, सेल्फी देना है। उसके बाद 2 महीने का मिनिमम आपको यानी कि बैंक स्टेटमेंट देना है, और ध्यान रखिए कभी भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो आप बिजनेस वाले हो चाहे सैलरी वाले हो, तो यहाँ पे आपको फॉर्म 16, लेटेस्ट सैलरी स्लिप या फिर ITR डॉक्यूमेंट्स, ये चीज़ इनमें से दो कोई चीज़ देना पड़ेगा आपको, ठीक है, इनकम के लिए, ठीक है। तो ये था दोस्तों इसका अप्लाई करने के लिए, ध्यान रखिए एप्लीकेशन आपको आवेदन करने के लिए एड्रेस आपको डालना है, बेसिक इंफॉर्मेशन डालना है, आप जहाँ जॉब करते हो वो सब डालना है, आप इसे फटाफट अप्लाई कर लोगे और वीडियो KYC ऑनलाइन ही आपका होगा, जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल करोगे तो वीडियो KYC ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। दोस्तों 3 नंबर पर जो एप्लीकेशन आता है, तीसरा येस बैंक,
यानी कि येस बैंक बिजनेस क्रेडिट कार्ड, बिजनेस क्रेडिट कार्ड है ये। और ये दोस्तों लाइफ, इस पर बहुत सारे फायदे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। जो मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर अप्लाई करने के लिए आपका एज होना चाहिए 21 साल से लेकर 70 साल तक। यानी कि इनमें दोस्तों कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो, ये आपका सिविल पर डिपेंड करता है कि आपको लिमिट कितना मिलेगा। इस पर आपको हो सकता है 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख के बीच में आप लोन ले सकते हो, इसमें मिल सकता है, ठीक है। सैलरी वाला होना चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए, सैलरी वाले या फिर दोस्तों कुछ भी आप इनकम सोर्स आपका होना चाहिए। मिनिमम इनकम आपका, मतलब जैसे कि मिनिमम आपका टैक्स होना चाहिए, टैक्स इनकम मतलब साल का 5 लाख तक होना चाहिए, मिनिमम इनकम 5 लाख तक होना चाहिए, ठीक है। आप भारतीय होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम रिटर्न टैक्स होना चाहिए 5 लाख तक, ठीक है, तब जाके ले सकते हो, ठीक है। साल का जो इनकम होना चाहिए 5 लाख तक आपका होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपका रिक्वेस्ट है वही है जो सेम चीज़ है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ में दे सकते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ में ऑप्शन नहीं है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये सब दे सकते हो। बाकी दोस्तों ध्यान रखिए, फॉर्म 16 वगैरह, ITR, ये सब देना पड़ेगा, ये सब आपको ऑनलाइन करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखिए, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट तो दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आप इस पे इंटरेस्ट रेट तो ध्यान रखिए, ये टाइम पेमेंट करते हो तो कोई फीस वगैरह नहीं देना पड़ेगा। बाकी दोस्तों ध्यान रखिए, टाइम से पेमेंट नहीं करते हो तो यहाँ पे ये सब इंटरेस्ट ब्याज वगैरह देना पड़ता है, ठीक है। तो इसका दोस्तों ये मतलब इतना जरूरी नहीं है हमें, ठीक है। अप्लाई करने का दोस्तों ध्यान रखिए, एप्लीकेशन आपको लिंक दे दूंगा इन पांचों का, वहाँ जाके दोस्तों अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ जाके और जानकारी लेकर चुका है, वहाँ से आप दोस्तों अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों चौथे नंबर पर दोस्तों एप्लीकेशन आता है एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है, इस पर दोस्तों ध्यान रखिए, इसके लिए भी आपका उम्र होना चाहिए 21 साल, ठीक है। और ये दोस्तों ध्यान रखिए, बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको बेनिफिट देगा, यहाँ पे कहीं भी यात्रा कर रहे हो, चाहे कुछ टिकट वगैरह कर रहे हो, उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये। फ्लाइट टिकट के लिए भी है, आप कुछ भी टिकट बुक करते हो उसमें कैश वगैरह बहुत सारा मिलते रहेगा, ठीक है। क्रेडिट कार्ड का दोस्तों ध्यान रखिए, दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ देख सो कर पढ़ सकते हैं, ठीक। कैशबैक तो यानी कि हर क्रेडिट कार्ड में आपको मिलते रहता है, लेकिन दोस्तों इन सब का अलग अलग है। इन चारों अप्लीकेशन जो क्रेडिट कार्ड है, इनको बहुत आसानी से दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, घर बैठे ही आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी इन चारों का लिंक नीचे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर क्लिक कीजिए। इनमें भी जो एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है, इसको भी ले भी दोस्तों ध्यान रखिए, आपका आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बेसिक कुछ डालना है, आप इनकम सोर्स वगैरह दिखाना पड़ेगा, यानी कि इनकम जो भी कर रहे हैं, सैलरी पे वर्क कर रहे हैं, तो फॉर्म 60 आपको पे करना, फॉर्म 60 देना पड़ेगा अगर मांगते हैं तो, ठीक है। नहीं तो आपका बैंक स्टेटमेंट दे दिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट, आप इसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बहुत जल्दी आप इसे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है, कोई पेपर वर्क आपको नहीं करना है। बाकी लिंक नीचे दिया हूँ चारों का, जाके वहाँ जाके और जानकारी लेके जाके वहाँ से जाके अप्लाई कीजिए, आपको जल्दी क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ऐसी जानकारी हमारे चैनल पर चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।